शिवपुरी में एक सिरफिरे आसिक ने अपनी प्रेमिका के पति पर जानलेवा हमला कर दिया। सिरफिरे ने गले पर ब्लेड से हमला किया, जिसमें प्रेमिका का पति गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर रेफर किया गया है। घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में रविवार रात की है। कोतवाली थाना क्षेत्र के सिंह निवास गाँव के युवक की रिश्तेदारी खरई जालिम गाँव में थी। इसके चलते युवक अक्सर गाँव में आता जाता था। इस दौरान युवक की जान पहचान गाँव की युवती से हो गई। युवक को युवती से प्यार हो गया। युवती के परिजनों को इस बात की खबर लगी तो उन्होंने युवती की शादी कहीं और तय कर दी। लेकिन युवक की प्यार की सनक थी कि शादी के बाद भी उसने युवती का पीछा नहीं छोड़ा। जानकारी के मुताबिक खरई जालिम गांव की रहने वाली युवती की शादी 2 साल पहले सिवपुर के किंजरी गांव के युवक से हुई थी। शादी के बाद युवती और उसका पति शिवपुरी के मनियार में किराए का घर लेकर रह रहे थे। प्रति प्राइवेट जॉब करता था। शादी के बाद सिरफिरे आसिक ने युवती का प्यार पाने के लिए हर हथकंडा अपनाया। इसके लिए सबसे पहले उसने प्रेमिका के पति से दोस्ती की, धीरे धीरे मेलजोल बढ़ाना शुरू कर दिया। लगभग 1 साल तक कोशिश करने के बाद भी सिरफिरा प्रेमिका को नहीं पा सका। इस मामले में सिटी कोतवाली थाना प्रभारी अमित भदौरिया का कहना है कि आरोपी ने युवक के गले पर ब्लेड से हमला किया है। आरोपी सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। बीवी को फोन लगाने की क्यों बोला? क्यों फोन लगवा रहा था वो बीवी को? बात करा। क्यों बात कराओ? नहीं बोला क्यों बात करा भैया, बता दो। बात करनी है मुझे। मैंने क्यों बात करनी? बात मेरी सिस्टर के साथ कुछ बहुत पहले उसका वो चल रहा है, दबाता है मेरी सिस्टर को फोन लगा लगा के और GI का गला काटा है। लेके काटा है वो सिस्टर के चक्कर में, इनकी जो वाइफ है उनके चक्कर में।